बच्चों के समग्र व्यक्तित्व विकास में योग की भूमिका। जी हाँ, आज मैं इस विषय पर वीडियो बना रही हूँ। नमस्कार, दादी योगा चैनल पर आपका स्वागत है। और समग्र व्यक्तित्व विकास से मतलब उनका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि। ये वीडियो बच्चों के लिए तो है ही, लेकिन बड़ों के लिए भी है, ताकि वो अपने बच्चों को प्रेरित कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है वो केवल मोबाइल और लैपटॉप में व्यस्त है। उनके पास खेल कूद भाग दौड़ के लिए कोई समय नहीं है, तो शारीरिक विकास कैसे होगा, आपने सोचा है? वो मनोरंजन बेशक इस वीडियो में गेम खेल के कर लेते हैं, लेकिन ये उनका विकास नहीं है, बल्कि और बौद्धिक क्षमता कम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है, अगर योग को अपनाते हैं तो उनका शारीरिक विकास होगा, उनकी मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। शारीरिक विकास से तात्पर्य है उनकी डाइजेशन अच्छा होगा, लंबाई बढ़ेगी, उनके रोगों से बचे रहेंगे और मेहनत करने की शक्ति भी बढ़ेगी। उसके अलावा मानसिक क्षमताओं से तात्पर्य है कि वो तनाव दबाव में नहीं आएंगे और इसे डिप्रेशन में जाने से बचे रहेंगे। आज अनेक बच्चे इस तनाव और दबाव के कारण, प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर के कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। और बौद्धिक क्षमता, तो आप सभी को मालूम है कि योग से बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। विवेकानंद जी का आपने देखा होगा, उनकी स्टोरी पढ़ी होगी। तो जब एक ही चीज को अपना करके एक घंटे का अगर अपना समय देते हैं तो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं बढ़ा लेते हैं। जो चीज आप चार घंटे में याद कर रहे हैं वो चीज निश्चित रूप से दो घंटे में तैयार हो जाएगी। बस आपको रोज योग करने की जरूरत है। एक घंटा भी अगर आपके पास समय नहीं है तो आप थोड़ा कम दे दें, लेकिन इसको करके आप पाएंगे कि आप अधिक मेहनत कर पा रहे हैं, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है और आपकी क्षमताएं विकसित हो रही हैं। तो अब आपको क्या करना है मैं ये बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये ध्यान रखें कि केवल योगाभ्यास या प्राणायाम समग्र व्यक्तित्व विकास नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके साथ आहार की भूमिका भी बहुत है। ये नहीं है कि आपको कोई बहुत महंगी चीज खिलानी है। आप स्प्राउट्स दें बच्चों को डेली, ताजा खाना दें दोनों समय, फल, सीजनल फ्रूट्स जो सीजनल है वो दें, और उसके बाद सलाद और जो ये ड्राई फ्रूट्स, अगर इनको निश्चित मात्रा में भी दे देंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों का वास्तव में पहले की अपेक्षा व्यक्तित्व विकसित हुआ है। उनकी लंबाई बढ़ी है, उनकी मेमोरी क्षमता बढ़ी है और उसके साथ उनमें मेहनत करने की शक्ति भी जागृत हुई है। बच्चे ज़्यादा हंसमुख और प्रसन्नचित्त रहेंगे। अब आपको क्या करना है, मैं सीधे ये बताती हूँ कि बच्चों को क्या शुरुआत में करना है। बच्चे इसको देख के भी कर सकते हैं, सिर्फ जॉगिंग से शुरुआत करें, एक से दो मिनट पर्याप्त है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप एक से दो मिनट ऐसे जॉगिंग करवाएं। कुछ बच्चे यो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और नहीं तो जॉगिंग जो उनको अच्छा लगे कभी बदल के भी कर लें। उसके बाद ताड़ासन, फिंगर्स इंटरलॉक करें, शरीर को ऊपर की ओर खींचे, ये उनके कद बढ़ाने में बहुत बढ़िया सहायक है, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है, बॉडी में बैलेंसिंग भी लाता है। ब्रीद आउट के बाद नीचे, ऐसा तीन बार इस अभ्यास को कराएं। कुछ भी बहुत देर नहीं करना, सांस भरते हुए ऊपर उठे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आए। इस अभ्यास को तीन बार करें, उसके बाद एक अभ्यास साइड में, ब्रीद आउट ब्रीद इन, ये डाइजेशन को भी इंप्रूव करेगा, हाइट को बढ़ाने में मदद करेगा, बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। ये भी आप तीन चार बार कराएं, इतना भी कराएंगे
तो बहुत खुद महसूस करेंगे कि हाँ। उसके बाद एक आसन जो मैं कर रही हूँ, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है और मेमोरी को भी शार्प करता है, माइंड में बैलेंसिंग लाता है, ये है वृक्षासन। मैं आपको एक बार फिर से सामने करके दिखाती हूँ। इस तरीके से दोनों पैरों से बारी बारी से, ये एक सरल अभ्यास है, बैलेंसिंग तो आती है माइंड में भी बॉडी में भी। तो इसके बाद केवल सूर्य नमस्कार, वो भी शुरू में ज्यादा समय नहीं है, तो छह उसकी आवृत्तियां कर रहे हैं, जिधर सूरज का जिधर है भी, सुबह कर रहे हैं तो सूरज पूर्व में रहता है, अपना चेहरा भी मुंह की उधर ही कर रहे हैं, सांस भरते हुए ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीद इन आउट इन आउट इन और नमस्कार। मैंने एक आवृत्ति की है, कम से कम शुरुआत में तीन चार, बाद में छह भी कराएंगे तो भी चलेगा। इसमें पूरे शरीर में खिंचाव मिलता है, रक्त का संचार बढ़ता है, इसके साथ ये हमारे बौद्धिक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब सूर्य नमस्कार के बाद सीधे बैठ करके करेंगे, हाइट बढ़ाने के लिए ये भी एक आसन है, पश्चिम तानासन। ये मैं आपको करके एक मिनट दिखा रही हूं। सांस भरे, हाथ खींचे ऊपर, ब्रीद आउट। अब यहां लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, शुरू में अगर यहां तक नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, वो जहां तक जा रहे हैं वहां तक जाने दें, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप मेरी तरह उनका भी ऐसे लग जाएगा। ये देखिए, इस एक आसन के बाद एक आसन ये कर लें। योग में ऐसा है कि जब आप आगे मुड़ते हैं तो पीछे भी जाते हैं, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, और इस आसन के बाद सीधे भुजंगासन। मैं बहुत ज्यादा आसन नहीं बता रही हूं ताकि बच्चे खुशी खुशी कर सके और उनको शारीरिक लाभ भी मिले। भुजंगासन के लिए हथेली को पसलियों के पास रख लें, पेट से चिपका के बिल्कुल, और सांस भरते हुए उठे, ब्रीद आउट। इसकी तीन चार आवृत्तियां करें, ये डाइजेशन से लेके, स्पाइन से लेके, लंग से लेके, सबके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, तनाव मुक्त रखता है। अगर वजन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी कर ले थोड़ा। इस तरीके से जल्दी जल्दी कर ले, ये भुजंगासन। भुजंगासन के बाद मैं सिर्फ एक आसन बता रही हूं, बच्चों के लिए तो इतना ही बहुत है, धनुरासन। ये सारे आसन बच्चे खेल खेल में कर सकते हैं। और अब एक बहुत स्पेशल आसन है, ये लंबाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें मतलब सहायक है, ग्रोथ हार्मोन वहां से सीक्रेट होता है।
तो इस आसन को करने से पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी उस पर प्रभाव आएगा और आपकी ग्रोथ हार्मोन सही सीक्रेट होने से लंबाई बढ़ेगी। निश्चित रूप से इस आसन को करा के मैंने कई लोगों की लंबाई बढ़ाई है। ये है हलासन। अगर इस तरह करते हैं तो ये हलासन होता है। ये भी बहुत अच्छा आसन है। वो सर्वांग आसन था, ये हलासन है। ये मत्स्यासन है। अगर पद्मासन लगा लेते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पद्मासन लगा के करती हूँ। मैं बता देती हूँ कैसे बनता है। कफ रोगों से बचाएगा, मस्तिष्क की क्षमताओं में वृद्धि होगी क्योंकि सिर की तरफ ब्लड आता है इन दोनों आसनों में। और इसके बाद एक आसन और है जो लंबाई में भी सहायक है। आंखें बारूद, लंबी गहरी श्वास, ये सब लंबाई बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। शारीरिक शक्ति का विकास करते हैं, कंधों में मजबूती देते हैं, बैकबोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो आपने देखा, मैंने बहुत थोड़े से आसन बताए हैं बच्चों के लिए, बहुत आसन नहीं बोला है। वो चाहे तो 40 मिनट में भी कर सकते हैं। अगर उनके पास समय कम है तो 30 मिनट दे दें, पर दें जरूर, क्योंकि 30 मिनट भी उनका दिया हुआ उनका बहुत सारा समय बचाएगा, मेहनत करने की शक्ति देगा, बौद्धिक विकास करेगा। अब इसमें कुछ थोड़े से प्राणायाम भी हैं जो उन्हें जरूर करना चाहिए। बच्चों को केवल ये 4 प्राणायाम भी कर लेंगे तो, अगर पूरे 4 किसी दिन नहीं कर पाते हैं तो 2 कर लें, जिसमें कपालभाति और भस्त्रिका। और अगर कर पाते हैं तो कपालभाति अनुलोम विलोम, और कभी कपालभाति अनुलोम विलोम और भस्त्रिका, और उसके बाद लास्ट में केवल ओंकार है। तो मैं आपको करके बता देती हूँ। और बच्चों को, वैसे सब बच्चे टीवी देख के सब सीख चुके हैं कि कैसे कपालभाति होती है, मगर मैं आपको करके बता रही हूँ। ये कपालभाति का अभ्यास था। मैं सिंधिया कन्या विद्यालय में 6 साल योग की टीचर रह चुकी हूँ, और वहाँ पर मैंने जब बच्चों को योग की क्लास में इनका अभ्यास कराया और बोला कि रात में सोने से पहले इनका अभ्यास करके सो, उन बच्चों का जो रिजल्ट था वो वास्तव में पूरे स्कूल में एकदम आज भी हुआ उदाहरण है। दूसरा अभ्यास बता रही हूँ, अनुलोम विलोम। मैं बहुत कम देर कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं हो, आप बोर नहीं हो, आप पूरा वीडियो देखें और इन अभ्यासों को अपनाएं। नाड़ी शोधन
मतलब अनुलोम विलोम या नाड़ी शोध है कुछ भी करेंगे। अनुलोम विलोम में बस साउंड होती है, लेफ्ट नोज से शुरू करते हैं, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, फिर राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, ये एक चक्र है। कम से कम 11 चक्र इसके भी करें, बहुत देर समय नहीं लगेगा। कोई भी प्राणायाम 2-2 मिनट तक भी करेंगे तो भी उनके बहुत लाभ मिलेगा। कपालभाति मेमोरी को शार्प करता है, ये ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है, शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकालता है, तो ये भी उनकी बौद्धिक क्षमता और शारीरिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। अब इसके बाद है भस्त्रिका, जो इनके लंग्स को मजबूत करेगा, बच्चों को इम्यूनिटी से बचाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, रोग प्रतिरोध मतलब रोगों से बचाएगा, कफ रोगों से बचेंगे बच्चे। इसके लिए बस ये करना है आपको, पूरी सांस भरेंगे पूरी सांस छोड़ेंगे, से हृदय, फेफड़े, आपके किडनी, लीवर सब कुछ हेल्दी रहेंगे। जब सब हेल्दी रहेंगे तो निश्चित रूप से आप मानिए आपके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे और जीवन में सफल होंगे, क्योंकि अगर वो योग कर रहे हैं तो बौद्धिक क्षमता तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये मैंने 3 अभ्यास बताए, उसके बाद सिंपल ओंकार चांटिंग है। ओंकार नाद भी केवल 11 बार कर लें, 11 बार ओंकार नाद, 11 बार अनुलोम विलोम या नाड़ी शुद्धि कुछ भी कर लें। उसके बाद भस्त्रिका के भी केवल 1-2 मिनट अभ्यास कर लें, कपाल भाती जरूर 2-4 मिनट कर लें, क्योंकि वो मेमोरी को निश्चित रूप से शार्प करता है। तो ये आपको 4 अभ्यास ये करने हैं, थोड़े से आसन और अपने आहार में परिवर्तन आप पाएंगे, पेरेंट्स भी देखेंगे कि बच्चों में गजब का आत्मविश्वास आ रहा है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों का हेल्थ बहुत अच्छी है, उनकी हाइट में भी आप बढ़ोतरी देखेंगे, क्योंकि आज बहुत सारे जॉब हाइट की वजह से मिलते हैं, जैसे आर्मी का है, पुलिस का है, ऐसे और भी हैं। अगर वो सिनेमा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो वहाँ भी हाइट का प्रभाव है। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।